बहुत ही ज्यादा परफेक्ट बना हुआ है इसका मुरब्बा। वाह, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रंजना व्यासपुर चैनल में। कैसे आप सभी, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम फिर आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर के आ गए हैं। बहुत अच्छी चीज आप लोग को आज हम दिखाएंगे, आप लोग हमारे वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। तो चलिए आज हम जो लेने वाले हैं पहले इसको तोड़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज हम आप लोगों को जो है ककड़ी और फूट दिखाएंगे। तो ये वाला फूट जो है अभी फूटा नहीं है, ये जब पक जाएगा तो जो है फूट जाएगा। ये कच्चा है लेकिन काफी बड़ा है, देखिए इतना बड़ा है। और इसके बगल में देखिए ये रहा एक, अभी ये काफी बड़ा होगा। और ये देखिए खराब हो गया है। और इसका फूल आप लोग को दिखा देते हैं, ये देखिए ये रहा इसका फूल, कितना छोटा सा है। और यहाँ इस बगल में देखिए ये वाला काफी छोटा है। अगर आप लोग इसको पहली बार देखेंगे तो पता चलेगा ऐसा लग रहा है जैसे कद्दू है, लेकिन ये कद्दू नहीं, ये ककड़ी है। खासकर ये जो फूट ककड़ी होता है, जहाँ पर मिट्टी का पटान रहता है वहीं पर ज्यादा अक्सर होता है। इसीलिए देखिए ढेर सारा जो और भी ढेर सारा था, काफी इसको तोड़ाई हो चुकी है, हम काफी लेट आए हुए हैं। और इधर देख लेते हैं अभी हम है कि नहीं। ये देखिए काफी छोटा है, बहुत ज्यादा छोटा है। तो छोटा रहता दोस्तों तो पत्तियों में ही दब जाता है, वो नहीं पाता है। तो अभी आप लोग देख सकते हैं मैं कितनी ऊंचाई पर हूँ। और ये जिसका पेड़ है एकदम नीचे जो है टहनियाँ पूरी गई हुई हैं और काफी अच्छे से जो है फरी हुई हैं। तो फूट ककड़ी जो है दोस्तों, इसको जो है पहले के जमाने में जो है सब लोग इसको बहुत ज्यादा जो है बोते भी थे और खाते भी थे। अब ये सब चीजें बहुत कम देखने को मिलती है। मैं अपने घर से काफी दूर आई हूँ इसको लेने के लिए। फूट अभी एक भी फूटा वाला नहीं मिला, क्योंकि इसको जो है सुबह में ही तोड़ लेते हैं तो हम काफी लेट आए हुए हैं। तो यहाँ इधर देखिए दोस्तों, ये देखिए खराब हो गया है, ये चूहा खा गया है और बहुत अच्छे से फूटा है। इसका छिलका देखिए कितना आराम से निकल जाता है, ये देखिए ऐसे। इस वाली ककड़ी को देखकर लगता है कि शायद ये कल तक फूट जाएगी, ऐसा पता चल रहा है। अभी आप लोग को एक कोहरा दिखा देते हैं, ये देखिए लंबा वाला कोहरा है, बिल्कुल फूट ककड़ी की तरह दिखाई पड़ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे ककड़ी हो। आप लोग को फूटा हुआ फूट भी हम दिखाएंगे, जो कि तोड़ के उसको घर पे रखे हुए हैं। चलते घर पे आप लोग को दिखाते हैं। पहले यहाँ से हम एक ककड़ी तोड़ के ले लेते हैं। तो चलिए इसी को हम तोड़ के ले लेते हैं। तो देखिए एक ककड़ी हमने तोड़ के ले लिया हुआ है, अब इसको लेकर चलेंगे घर पे और इसकी बहुत ही अच्छी रेसिपी आप लोग साथ शेयर करेंगे। आप लोग वीडियो अंत तक देखते रहिएगा। ये देखिए ये वाला जो है फूट फूट चुका है, तो आप लोग को देख लीजिए कितना बढ़िया से ये फूटा हुआ है। तो ये अपने आप जो है जो पेड़ में रहता है फूट जाता है, तो इसको जो है सुबह में ही तोड़ लिए थे। इसको घर लाते लाते देखिए जो है थैली में ये पूरा फूट गया दोस्तों, ये देखिए पूरा अलग अलग हो गया है। ऊपर हम डाल देते हैं जो है चीनी, फूट के ऊपर चीनी डाल के तभी खाया जाता है। बीज जो है देखिए मैंने इसको अलग करके रख दिया हुआ है। पापा खाओ ना, हाँ ना ये इतना ये चीनी चीनी पर डाले फूट हम दिखा लेते हैं दोस्तों। ये सब चीजें जो है खाने को नहीं मिलती है, यही सब खा करके जो है एकदम अपना शरीर बनाते थे, इसीलिए पहले इतना ज्यादा बीमारियां भी नहीं थी। उसमें कोई ज्यादा दवा ना खाद कुछ भी ज्यादा नहीं डाला जाता, देसी खाद से ही पैदा किया जाता था। वाह क्या फूट है, खाओगी?
बच्चे लोग इसको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। हम पानी में डाल के पहले धुल के साफ कर लेते हैं। तो मैं लेके आ रही थी, जैसे तेरी गिर गया तो फूट गया है, तो काला वाला तरबूज की तरह जो है दिख रहा है ये, लेकिन है ककड़ी। अब इसको हम काटेंगे। वैसे भी ये जो है कल परसों तक तो फूट ही जाता है। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। ये सब इसका बीज है, तो बीज को हम निकाल देते हैं। इसका बीज जो होता है ना आराम से निकल जाता है। देखिए इस तरीके से मैंने काट लिया है। अब इसका छिलका हटाएंगे। छिलका हटाने के बाद इसको हम इतना बड़ा बड़ा पीस में काट लेते हैं। देखिए इस तरीके से, तो पूरा पीस यहाँ पर देखिए मैंने काट लिया। तो पूरा पीस मैंने यहाँ पर देखिए काट के ले लिया हुआ है। और इधर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इतना मैंने जो इसको जो है खोप के ले लिया हुआ है। इसी मैंने लिया हुआ माचिस की तीली, इसी से जो है हम इसको इस तरीके से खोप रहे हैं। अगर आपके पास जो है चम्मच हो तो उसको भी, उसके भी जो है खोप सकते हैं, जो चाउमीन खाने वाली चम्मच होती है। हमारे पास नहीं है तो माचिस के तीली से ही इसको जो है अच्छे से खोप लेते हैं। इस तरीके से हमें जो है खोप के लेना है। दोस्तों आप लोग को बता देते हैं कि जो है हम ककड़ी का बनाएंगे जो है मुरब्बा, क्योंकि जो है जब ककड़ी फूट फूटता है तो उसके ऊपर जो है चीनी डाल के खाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो इसीलिए हम इसका मुरब्बा बनाएंगे। पतीला हमने रख दिया हुआ है, इसमें अब हम डाल देते हैं चीनी और थोड़ा सा इसमें हम पानी डालेंगे। देखिए चीनी घूमने के लिए इतना पानी में डाला हुआ है। तो देखिए चीनी हमने डाल दिया हुआ है, चीनी हमारा पिघलना शुरू हो गया। चीनी जो है पिघल रही है धीरे धीरे। अब हम इसमें जो है कटा हुआ पूरा डाल देते हैं। कद्दूकस किया हुआ ककड़ी हम इसमें डाल देंगे। तो पानी हमने कम डाला हुआ है क्योंकि ककड़ी में खुद ही पानी होता है। अभी देखिए पानी अभी आप लोग कहीं दिखाई पड़ रहा होगा, जैसे जैसे चीनी घुलेगी वैसे वैसे जो इसमें पानी की मात्रा बढ़ती जाएगी। पानी निकलना शुरू हो गया है, अभी आप लोग देख सकते हैं। देखिए इसमें कितना पानी हो गया, ये देखिए कितना ढेर सारा इसमें पानी निकल गया है। अब ये धीमी धीमी आंच में काफी टाइम तक पकेगा, तभी जाके पूरी चासनी जो है इसके अंदर जाएगी, तब खाने में ज्यादा अच्छा लगेगा। ये हमारा मुरब्बा बनके तैयार है। इसको बनाने में हमको शाम हो गई थी, तो इसको हम जो है ऐसे ही रख दिए थे रात भर के लिए। तो अभी सुबह हो गई है, अब आप लोग हमारे जो है मुरब्बा को देख सकते हैं। एकदम रस से भरा लसीला हमारा ये मुरब्बा बनके तैयार है। बहुत ही ज्यादा परफेक्ट बना हुआ है इसका मुरब्बा, बिल्कुल सहत की तरह जो है ये इसकी चाशनी हुई है। फूट खा करके बोर हो गए होंगे, तो आप जो है इस तरीके से जो है ककड़ी का मुरब्बा बना के खाइएगा, तो फिर आप देखिएगा ये इसका टेस्ट कितना अच्छा लगता है। घर वाले को खिलाइएगा तो वो बार बार बना करके आप लोगों से खाने की जिद करेंगे। और ये फायदेमंद भी है हमारे सेहत के लिए, जो है नुकसानदायक नहीं है। सिर्फ दो चीजों से बनेगा, ककड़ी और चीनी, और इसमें कुछ भी नहीं लगेगा और ज्यादा मेहनत भी नहीं है, आराम से बन के तैयार हो जाएगा। इसको बना करके स्टोर करके रख भी सकते हैं। बच्चे लोग इसको बहुत ज्यादा पसंद करेंगे, एक बार आप लोग जरूर बनाइएगा। आज रंजना वेज फूड में बना हुआ है ककड़ी का मुरब्बा। वीडियो कैसा लगा अपना जो है राय जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए कमेंट करके, और हम आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई देंगे। और आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों परिवारों में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके साथ हमारा यहीं तक था, अब हमें दीजिए इजाजत। मुलाकात होती है आप लोगों से अगले वीडियो में। नमस्कार।